एनएससी ने एक और इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया है जहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की जा सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह इसमें भी वीकली एक्सपायरी होगी और वीकली एक्सपायरी में आप ट्रेड ले सकते हैं और बहुत सारा माल छाप सकते हैं। इस वीडियो को तीन पार्ट में बांटा जा सकता है। पहले मैं बेसिक्स बताऊंगा, दूसरे में मैं वेटेज के बारे में बात करूंगा कि इस इंडेक्स का क्या वेटेज है और किस तरह से इसे कंपेयर किया जा सकता है बैंक निफ्टी से, और तीसरे में कितने अमाउंट का रिक्वायरमेंट होगी अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स बेसिकली फाइनेंस सेक्टर से डील करता है। इसमें बैंक निफ्टी जैसे बैंक्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी और एनबीएफसी को भी इंक्लूड किया गया है। इस इंडेक्स में मैक्सिमम 20 कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, जैसे निफ्टी में 50 कंपनीज इंक्लूडेड है और बैंक निफ्टी में 12 कंपनीज इंक्लूडेड है, इसी तरह से इस इंडेक्स में 20 कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का बेस ईयर है 2004। 1 जनवरी 2004 को इसकी बेस वैल्यू मानी गई है 1000 रुपीज, और आज ये वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 15,500। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी वैल्यू 15,500 है। जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी कंपनी आते रहती है और खराब कंपनी को वो ऑटोमेटिकली बाहर करते रहते हैं, उसी तरह से फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में भी अच्छी कंपनी आती रहती है और खराब कंपनी को बाहर कर दिया जाता है। अब जान लेते हैं एफएसआई के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। इस इंडेक्स में 5 बैंक्स को इंक्लूड किया गया है, 5 इंश्योरेंस कंपनी, 5 एनबीएफसी, 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को और 2 अदर कंपनी को इंक्लूड किया गया है। यह है उन कंपनियों के नाम जिन्हें इस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है। इसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, और इंश्योरेंस में बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ। इसी तरह एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पीएफसी, आरईसी, और हाउसिंग फाइनेंस में एचडीएफसी, अदर फाइनेंशियल सर्विस में एचडीएफसी एएमसी और पिरामल इंटरप्राइजेस। जिस तरह निफ्टी 50 को निफ्टी कहा जाता है, बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी कहा जाता है, और इसी तरह से फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को फिन निफ्टी के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से ये ट्रेड होगा। इसे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। इसका लॉट साइज 40 क्वांटिटी का रहेगा। इस इंडेक्स में 7 सीरियल वीकली एक्सपायरी रहेगी और 3 मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है क्वांटिटी फ्रीजिंग की। 5000 लॉट्स में आप काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा लॉट में आप इसमें काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए किया गया है ताकि जैसे ही इसमें वॉल्यूम आना शुरू होगा उसके बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह इसमें भी ये फ्रीजिंग क्वांटिटी को हटा दिया जाएगा। यह निफ्टी फाइनेंस कंपनी के टॉप कंस्टिट्यूएंट्स और उनकी वेटेज 31 दिसंबर 2020 तक, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक को दी गई है। अब इसकी वेटेज को हम कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के साथ में। बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर के बीच में मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट कंट्रीब्यूटर है एचडीएफसी बैंक, दोनों के अंदर में सेम कंट्रीब्यूशन रखता है, 25% के आसपास दोनों में वेटेज है इसका। दूसरी कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक जिसका 20% वेटेज है, फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में इसका वेटेज है 15%। कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे 16% के आसपास वेटेज है और यहाँ पे 12% का वेटेज ये होल्ड करती है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी इंडेक्स और फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को कंपेयर किया जाए तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। टॉप जो 4 कंपनी यहाँ पे है वही टॉप 4 कंपनी यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करती है। इसमें सिर्फ एक नाम इंक्लूड हुआ है, वो है एचडीएफसी, जिसका वेटेज 20% के आसपास यहाँ पे है। कहने के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स 12 शेयर से बना हुआ है, लेकिन इनके जो 4 ऊपर के कंट्रीब्यूटर हैं उनका 77% इसमें हिस्सा है। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इन 4 शेयर को आप जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे उसी तरह से बैंक निफ्टी मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी मूव करता है। सेम टू सेम कंडीशन है फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की। इसमें भी आप ये 4 कंपनी को पकड़ के हिला के रख दीजिए, यह इंडेक्स भी कहीं नहीं जाएगा। इनमें टॉप 4 कंपनियों का वेटेज 71% के आसपास आता है, तो समझ सकते हैं बाकी 16 कंपनी मिलकर सिर्फ 29% कंट्रीब्यूट करती है। बेसिकली अगर आपको फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में काम करना है तो आपको इन 4 कंपनियों को ही ज्यादा ट्रैक करना होगा, इन 4 कंपनियों के ही चार्ट आपको जानने होंगे, क्योंकि नीचे की कंपनी चाहे कितना भी हल्ला गुल्ला कर ले, कितना भी अप और डाउन कर ले, इस इंडेक्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। टीवी वाले ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, ऐसे ही बकबक करते रहेंगे कि फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स 20 कंपनी से बना हुआ है, इस इंडेक्स ने लगभग 20 कंपनीज को कवर किया है और उनके वेटेज से काम कर रही है। फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर इसे आपने समझ लिया तो आप पूरा का पूरा फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को 1 मिनट के अंदर समझ जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को आप एक मंत्रालय की तरह या कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं, और सबसे पहला जो शेयर है उसे आप समझ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, सेकंड वाले को आप समझ सकते हैं होम मिनिस्टर, थर्ड वाले को आप फाइनेंस मिनिस्टर की तरह समझ सकते हैं। बेसिकली ये जो 3 मिनिस्टर जो भी कहेंगे वैसा ही ये फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स चलने वाला है, पूरा कैबिनेट उसी तरह से चलने वाला है। नीचे के शेयर को आप मान सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कुछ भी आप मान सकते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस तो है पर इस मंत्रालय में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कोरोना वायरस आ चुका है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करना है, तो पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा, पूरा मंत्रालय बंद हो जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन पे स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा, कॉलेजेस को बंद करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, सारा काम ठप हो जाएगा। और वही अब अगर प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि कोरोना वायरस का डर खत्म हो चुका है, कोरोना वायरस कम हो चुका है, अभी सारी इंडस्ट्री को खोल दिया जाए, तो एजुकेशन मिनिस्टर सारी की सारी स्कूल्स को खोल देंगे, टेक्सटाइल मिनिस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खोल देंगे, रेलवे मिनिस्टर रेल्स को खोल देंगे। तो बेसिकली इन 3 या इन 4 मिनिस्टर्स के कहने पे पूरा का पूरा मंत्रालय चलता है और इन्हीं पे आपको ध्यान देना है। ये क्या कहते हैं उसी पे आपको ध्यान देना है।
अब जान लेते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड इसमें क्या होगा। निफ्टी की अभी वैल्यू चल रही है 14,300, बैंक निफ्टी की 32,000 और फाइनेंस निफ्टी की वैल्यू चल रही है 15,500। निफ्टी का लॉट साइज है 75, 25 है बैंक निफ्टी का और 40 है फाइनेंस निफ्टी का। इन ऊपर की दो वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 10 लाख के आसपास आती है और फिन निफ्टी में 6.2 लाख के आसपास आती है। और एफएनओ में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो निफ्टी में 15% है, बैंक निफ्टी में अभी 20% है और फाइनेंस निफ्टी में या तो 15% होगी या 20% होगी। फिर निफ्टी में आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं 93,000 या फिर अगर इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% रही तो 1,24,000 के आसपास आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इतने में आप एक लॉट को खरीद सकते हैं। अगर आने वाले समय में इस इंडेक्स में अगर वॉल्यूम आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा इंडेक्स रहेगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड बहुत ही कम है और छोटे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आसानी से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। यह फाइनेंस सर्विस इंडेक्स का डेली चार्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फॉल आई थी पहले और उसके बाद में इसने बहुत ही अच्छी राइज दी है। इसने एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को अपने क्रॉस किया है और रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद में इसमें अच्छी तेजी आ चुकी है। फाइनेंस सर्विस इंडेक्स का बहुत ज्यादा संभावना है कि ये अपनी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू रखे और ऊपर ही ऊपर चलता चला जाए। अगर आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स पे ट्रेड करना है तो आपको प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर पे ही ज्यादा ध्यान लगाना है, उन्हीं को ध्यान में रख के आपको काम करना है। इसके अलावा आप ज्यादा नीचे वाले स्टॉक्स पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ऊपर के स्टॉक्स पे ही ध्यान देके ट्रेड करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।